867255 तो हमारे इक्वेट जो निर्माण का a इक्वल टू b की प्लस r दैट इज 867 इक्वल टू 255 इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ओके 867 को डिवाइड कीजिए 255 से कितना जाएगा बच्चों बच्चों कितना जाएगा सर 3 या 3 जाएगा 3 5 15 1 3 5 15 1 16 1 3 2 6 7 ओके तो ये 3 जाएगा रिमाइंडर 7 में 5 से 2 ये 0 ये 102 आएगा नेक्स्ट हमारा ये 255 ये 1082 इनटू समथिंग आएगा कितना जाएगा बच्चों ये 255 है 2 जाएगा 2 2 4 ओके यस सर 2 जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 151 नेक्स्ट क्या केस द्वारा 102 51 इनटू 2 रिमाइंडर 0 हो जाएगा ओके तो द्वारा देखो ये 102 ये द्वारा 50 ओके 102 आएगा रिमाइंडर 0 तो एचसीएफ कितना आएगा एचसीएफ 51 आएगा ठीक है नेक्स्ट अगर वो बोलना कि अगर इसका एचसीएफ जो है एचसीएफ कितना आया एचसीएफ कितना आया 51 जो आया अगर इसको ऐसा एक्सप्रेस करते हैं देन ए क्या वैल्यू बी का वैल्यू कितना आएगा तुम लोग बनाए बच्चों ए का वैल्यू बी का वैल्यू कितना आया देखे ए का वैल्यू बी का वैल्यू कितना आया सर ए का 4 बी का -2 ओके ठीक है देखिए तो 51 इक्वल टू क्या होगा ये 51 एच से 51 को एक्सप्रेस करते ए भी निकालने बोल रहा है तो देखिए 51 इक्वल टू क्या होगा ये 255 माइनस 2 इंटू 102 ये प्लस इधर लेके माइनस कर दीजिए 51 इक्वल टू क्या होगा 255 माइनस 2 इंटू 102 ओके नेक्स्ट स्टेप 102 क्या होगा 102 क्या होगा पहला 51 इक्वल टू क्या हुआ 255 माइनस ट्वाइस ऑफ 102 नेक्स्ट 102 क्या होगा 867 माइनस 3 इनटू 255 102 क्या होगा पहला 51 रिप्लेस किया बच्चों 255 माइनस ट्वाइस ऑफ 102 देन 102 क्या होगा 867 माइनस 3 ऑफ 255 देन 51 इक्वल टू 255 माइनस 2 2 867 माइनस इनटू माइनस प्लस 6 2 255 ओके माइनस 2 2 867 माइनस इनटू माइनस प्लस 2 3 6 6 2 255 देन बच्चों ये 51 इक्वल टू ये 8 2 255 यहाँ 6 2 255 कितना ना हुआ 7 2 255 यहाँ पर 1 2 255 ये 6 2 और ये माइनस 2 2 867 अच्छा क्वेश्चन में बोल रहा था a इनटू 867 a इनटू 867 और b इनटू 255 इक्वल कितना तो b का वैल्यू कितना है बच्चों b इक्वल क्या हुआ 7 a इक्वल कितना आया a इक्वल कितना माइनस 2 ठीक है जो ये 6 2 1 कितना 7 2 255 ओके अगेन ये तुम्हारा माइनस 2 2 867 देन ये 8 टाइम्स ऑफ द 867 और ये b टाइम्स ऑफ द ये तो b इक्वल 7 ये ठीक है बच्चे लोग समझ में आया और दो लाइन थोड़ा समझाइए और कौन सा दो लाइन सर उसा सर ऊपर वाला क्या समझना है ये समझ नहीं पाए पहला 51 इक्वल क्या होगा ये इस तरह वाले से क्या होता है
अरे प्लस स्त्रीफल से क्या होता है? पहले हम लोग 51 को रिप्लेस किए 2π/5 माइनस 2 102, फिर 102 को रिप्लेस किए, ये 102 को रिप्लेस किए, इतना 867 माइनस 3 2π/5, ओके, ये माइनस 2 867 माइनस 2 माइनस 3 3 हाँ माइनस 2 माइनस 6 2 2π/5, ये 6 ये तो कितना 6 ये तो 7 2π/5 और माइनस 2 867, ये दोनों को इक्वल करो क्या आएगा? अरे इन दोनों को इक्वल करो, वो बोल रहा था कि अगर ऐसे पाकर ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, आरटी शर्मा में इस टाइप का क्वेश्चन देख लो, ओके, तो अगर इक्वल है तो बी इक्वल क्या होगा? 7 यस सर, ए इक्वल क्या होगा? माइनस 2, ठीक है। हमारा यूक्लिड डिविजन लेमा का दूसरा पार्ट होता है कुछ प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में रहता है 6³ + 1 6³ + 3, ये प्रूफ वाला कुछ क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड डिविजन लेमा में होता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं यूक्लिड डिविजन लेमा क्वेश्चन नंबर 2, ओके। बच्चे लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5, ओके। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर यूजिंग यूक्लिड डिविजन लेमा में प्रूफ करना है, ओके। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर फॉर इन द फॉर्म ऑफ 6³ + 1 6³ + 2 6³ + 3 6³ + 5 इस फॉर्म में रहता है, ओके। सुनिए, कोई भी ऑड नंबर लोगे जो कि 6 से बड़ा है इस तीनों फॉर्म में भी आएगा, नहीं तो Q का वैल्यू कुछ भी डालिए, कुछ Q का वैल्यू कुछ भी डालिए, आपका पॉजिटिव इंटीजर डालिए ऑड नंबर आएगा, 1 डालिए 7 आएगा, ओके 9 आएगा, 11 आएगा, 2 डालिए 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, तो कुछ भी जो ऑड नंबर इस फॉर्म में रहता है ये हमें यूजिंग यूक्लिड डिविजन लेमा में प्रूव करना है, नहीं तो कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, कोई भी ऑड नंबर वो इस फॉर्म में रहेगा, हमें प्रूव करना है। ये आएगा 6 × 3 + 1 माने ये फॉर्म में रहेगा, कोई भी ऑड नंबर लो इस फॉर्म में रहेगा बोल के हमें प्रूव करना है यूजिंग यूक्लिड डिविजन लेमा। अच्छा, यूक्लिड डिविजन लेमा, यूक्लिड डिविजन लेमा का फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल टू बी की प्लस आर, ये भी उसी तरह है। अच्छा, ये बी की प्लस आर, बी का वैल्यू क्या लेना है? जैसे ये 6³ + r आएगा, बी का वैल्यू क्या लेना है? जैसे 6³ + 1 बी का वैल्यू क्या लेना है? 6 लेना है, क्योंकि ये 6³ है, ओके, ये 6³ है तो बी को हम 6 लेंगे। क्यों 6 लेंगे समझ रहे हो? बी को क्यों 6 लेंगे? क्योंकि प्रूफ में 6³ है, 6³ + 3 6³ + 5, तो लेट बी इक्वल टू कर लीजिए 6। अच्छा, आर का वैल्यू क्या था? 0 से ज्यादा, बी से कम, तो आर का वैल्यू क्या क्या आएगा? आर का वैल्यू 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। हमारा यूक्लिड डिविजन लेमा कहता है कि द्वारा जो ये अगर जब ये प्रूव करना है यूजिंग यूक्लिड डिविजन लेमा, तो ये 6³ है तो बी को आपको 6 लेना है, ओके। अगर हमारा यूक्लिड डिविजन का कंडीशन है जो आर का वैल्यू बी से कम है, बी हमारा 6 है तो 6 से कम है, आर का वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं होगा। अब ये डालिए, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, क्या क्या? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो बी को हम क्या ले थे? बी को बच्चा हम क्या ले थे? 6 लिए थे,
सिक्स तो आर का वैल्यू क्या क्या, पहला आर का वैल्यू जीरो आएगा, नेक्स्ट आएगा आर का वैल्यू वन आएगा, नेक्स्ट आएगा आर का वैल्यू टू आएगा, नेक्स्ट आएगा आर का वैल्यू थ्री आएगा, नेक्स्ट आएगा आर का वैल्यू फोर आएगा, नेक्स्ट आएगा आर का वैल्यू फाइव। ये बच्चों आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों है? अगर क्यू का वैल्यू मान लोगे ये सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन आएगा, सिक्स क्यू का वैल्यू मान लोगे, क्यू का वैल्यू ट्वेल्व लोगे ये ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवन, ये पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा सिक्स से ज़्यादा, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सब आएगा, क्यू का वैल्यू एक एक चेंज करते जाओगे ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। इसमें दो चीज है, एक ऑड है और इविन भी है, हमें ऑड लेना है। ऑड कौन कौन है? ये एक है और कौन, ये एक है और कौन, ये एक है। सिंस जो आर जो है वन थ्री फाइव, इसका जो आर जो है वो नॉट डिविजिबल बाय टू। ऑड नंबर किसे, इविन नंबर किसे कहते हैं? जो डिविजिबल बाय टू, जो नॉट डिविजिबल बाय टू होता है वो ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पर जो आर जो है उनका वन थ्री फाइव ये डिविजिबल बाय टू नहीं है तो ऑड नंबर है। तो यहाँ पर लिखोगे कि सिंस ओके वन थ्री फाइव आर नॉट डिविजिबल बाय टू, नॉट डिविजिबल बाय टू, सो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या क्या है? सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव, ठीक है। ये आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है ओके। यहाँ पर दो चीज मिला के है, इविन भी है ऑड भी है, तो सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोलना है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव, इतना ही आपको प्रूव करना है। बच्चों समझ में आया? यस ओके। हमको प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर टू में कि सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में है, जब ये सिक्स क्यू है तो बी को आपको सिक्स लेना है, ठीक है। जब सिक्स लेंगे तो आर का वैल्यू आपका जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ज़्यादा नहीं होगा, बी से छोटा रहेगा। तो जब ये है और बी सिक्स है, जब बी सिक्स है आर ये है, तो आपका ये पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। इसमें दो चीज़ मिला के है, इविन भी है और कौन, इसमें दो चीज़ मिला के है कौन, इविन भी है और कौन, ऑड भी मिला के है। सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन है? अगर तुम्हें बाद में भी कोई पूछता है कि यूक्लिड्स का तीन ठो ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोलो तो बोलो क्या? सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव। फ्यूचर में अभी नेक्स्ट हम आर्टिसर प्रॉब्लम जब करेंगे वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा तीन ठो ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोलो यूक्लिड्स का, तो यही बोलोगे सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव, ठीक है बच्चों। अभी थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देगा, क्वेश्चन ये आएगा ओके प्रूव दैट, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, प्रूव दैट एवरी, प्रूव दैट एवरी इविन पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म सिक्स क्यू, सिक्स क्यू प्लस टू, सिक्स क्यू प्लस फोर। ये क्वेश्चन आएगा कि बोलेगा कि प्रूव करो हर इविन पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में है बोल के, ठीक है। तो क्या करोगे, अगर तुम क्यू का वैल्यू इधर कुछ भी डालोगे ये इविन नंबर आएगा, वन डालो टू डालो थ्री डालो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्यू का वैल्यू डालोगे इविन नंबर आएगा। ये हमें प्रूव करना है कि कोई भी इविन नंबर इस फॉर्म में रहेगा। जब सिक्स है तो बी को क्या लोगे, जब सिक्स है तो बी को क्या लोगे? इसमें दो चीज मिला के है,
यहाँ पर यहाँ तक सेम लिख दोगे, यहाँ पर दो चीज मिला के है, क्या क्या मिला के है, और इविन भी ऑड भी, इसमें सिर्फ इविन नंबर लिखना है, प्रूफ बोलता है इविन, तो यहाँ पर इविन एंड ऑड दोनों मिला के है, सिर्फ इविन लिखना है, तो इविन लिखना है तो क्या करोगे, लिखोगे सिक्स टू फोर सिक्स आर डिविजन बाई टू, सो द इविन पॉजिटिव इंटीजर्स, सिर्फ इसमें दो चीज मिला के ऑड और इविन, इविन सिर्फ लिखना है, सिंस 2 4 5 6 आर डिजिटल आर 2 सो इविन पॉजिटिव इंटीजर्स, सो द इविन पॉजिटिव इंटीजर्स आर, कौन है इसमें इविन पॉजिटिव इंटीजर्स 6 क्यू है, ओके, और कौन है 6 क्यू प्लस 2 है, और कौन है 6 क्यू प्लस 4 है, ओके, जब ये क्वेश्चन बोलता है कि सो दैट इवन पॉजिटिव इंटीजर्स प्रूव करो इस फॉर्म में, तो क्या करें, बी को सिक्स लोगे, आर का वैल्यू आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स ये लिखोगे, इसमें से इवन नंबर, इसमें दो चीज मिला के है, जब ऑड बोलता है ऑड लिखोगे, इवन बोलता है तो इवन लिखोगे, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स ये है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है प्रूव दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म 8 क्यू प्लस 1, 8 क्यू प्लस 3, 8 क्यू प्लस 5, 8 क्यू प्लस 7, ये प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म 8 क्यू प्लस 1, 8 क्यू प्लस 3, 8 क्यू प्लस 5, 8 क्यू प्लस 7, ये आप प्रूफ करके व्हाट्सएप मुझे करेंगे, लेकिन थोड़ा हिंट में दे रहा हूँ, आपको बी को क्या लेना है, तो आर का वैल्यू क्या क्या आएगा, बी को आर का वैल्यू 7 तक आएगा, जीरो, क्योंकि आर जो है बी से कम रहेगा, 8 से कम रहेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या आएगा, सर 0 2 4 6 नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा 8 क्यू प्लस 0, 8 क्यू प्लस 1, 8 क्यू प्लस 3, 8 क्यू प्लस 4, 8 क्यू प्लस 5, 8 क्यू प्लस 6 आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, इसमें क्या लिखना है, सिर्फ उनमें से क्या लिखना है, वो पॉजिटिव इंटीजर दोनों चीज मिला के है, इवन भी है एंड ऑड भी है, तो उसमें से कौन सा लिखना है, ऑड, सो ऑड वाला लिखोगे 1 3 5 7 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर 8 क्यू प्लस 1, 8 क्यू प्लस 3, 8 क्यू प्लस 5, 8 क्यू प्लस 7, थोड़ा बना के भेजिए, थोड़ा यहां पर प्रूव करना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर 8 क्यू प्लस 1, 8 क्यू प्लस 3, 8 क्यू प्लस 5, 8 क्यू प्लस 7, क्यू का वैल्यू जो भी लोगे ऑड ही आएगा, ओके, तो जब 8 है तो लेट बी को हम लेंगे क्या, हमारा यूक्लिडियन डिविजन नियम, यूक्लिडियन डिवीजन लिमा, तो ए इक्वल क्या होता है, बी क्यूब प्लस आर, ओके, तो जब एट क्यूब प्रूव करना है तो बी को 8 लेना है, लेट बी इक्वल क्या, 8, आर का वैल्यू जो 0 से ज्यादा 8 से कम, बी से कम होता है, तो आर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 तक आएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हुआ, कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हुआ आपका, a इक्वल टू b का 8 है, b हम 8 लिए हैं, तो ये 8 क्यूब प्लस r का वैल्यू पहले 0 आएगा, ओके, ये नेक्स्ट 8 क्यूब प्लस 1, 8 क्यूब प्लस 2, 8 क्यू प्लस 3, 8 क्यू प्लस 4, 8 क्यू प्लस 5, 8 क्यू प्लस 6, 8 क्यू प्लस 7, बस ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्यू का वाला अगर वन लोगे ये 15 तक आएगा, 8 से लेके 15, फिर 2 लोगे 16 से लेके पूरा चलेगा 16, 17, 18 ऐसे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, वन लोगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2 लोगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है,
इसमें दो चीज मिला के इवन भी एंड ऑड भी, तो हमें ऑड चाहिए, सिर्फ ऑड वाला लिखोगे। सिंस 1, 3, 5, 7 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें ऑड सिर्फ लिखना है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन है? 8q+1, 8q+3, 8q+5, 8q+7। अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता, अगर क्वेश्चन चेंज करता प्रूव दैट इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जब बोलता प्रूव दैट, तो एवरी क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता। क्या चेंज होता? कि एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, न्यू क्वेश्चन कि प्रूव दैट द एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 8q, 8q+2, 8q+4, 8q+6, अगर ये प्रूव करने बोलता तो बच्चों ये सभी सेम रहेगा, 8q+6, तो ये सभी सेम रहेगा, यहां तक सेम रहेगा, और इसमें सिर्फ इवन वाला लिखना है। प्रीवियस वाला ऑड वाला था, ये प्रूव हो गया। अभी क्वेश्चन अगर चेंज है, अगर इवन बोलता, इसमें दो चीज मिला के ऑड और इवन, तो इवन वाला लिखते। क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव दैट इज इवन पॉजिटिव, तो इसमें सिर्फ इवन वाला लिखते। क्या इवन वाला क्या है? सिंस 2, 4, 0, 2, 4, 0, 6 आर डिविजिबल बाय 2, सो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता आपका 8q+0, 8q+2, 8q+4, 8q+6। अगर इवन बोलता तो सिर्फ इवन लिखते, ऑड बोलता तो ऑड लिखते, ठीक है। कभी कभी ऐसा रहता है बच्चों, दोनों बोलता है इवन एंड ऑड, तो दोनों लिखोगे, ये इवन है और ऑड भी लिखोगे, दोनों लिखो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है दोनों लिखने बोलते हैं, इवन भी ऑड, सो इवन भी लिखोगे और ऑड भी लिखोगे। कभी 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 ऑड बोलते तो ऑड लिखोगे, इवन बोलता तो इवन लिखोगे। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है दोनों लिखना, इवन एंड ऑड, तो दोनों लिखोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 3, सो दैट द एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q+1, 4q+3। ओके, तो बी को आपको 4 लेना है। ओके, आर का वैल्यू 4 से कम रहेगा, आर का वैल्यू आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3। ओके, सिंस तुम्हारा 1 और 3 आर नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल, हाँ 1, 3 आर नॉट डिविजिबल, और ये डिविजिबल है, इवन है, और वो बाकी सब ऑड है। ओके, सो ये इवन है, 4q, 4q+2 इवन क्यों है? क्योंकि दे आर बोथ डिविजिबल बाय 2, और ये 1, 3 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वो ऑड है, तो ऑड ये वाला है। तो बच्चे बनाइए थोड़ा कि एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ए फॉर्म है, तो क्यू का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप, 1, क्यू का वैल्यू कुछ भी लीजिए आपका ये ऑड आएगा, ठीक है। तो आपका ये, तो बी, ये 4q जब प्रूव करना है तो लेट बी को 4 लेना है, और आर का वैल्यू आपका 4 से क्या होगा, जब 4q+1, 4q+3 है तो बी को आप 4 लेना है। ओके, तो यहाँ पर बी का मतलब 4 लिखिए, आर का वैल्यू क्या क्या आएगा आपका, 0, 1, 2, 3, 4 से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आर का वैल्यू बी से कम रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आएगा, ओके, एक आएगा 4q+0, नेक्स्ट आएगा 4q+1, नेक्स्ट आएगा 4q+2, 4q+3, इतना ही आएगा। ओके, इसमें दो चीज मिला के इवन भी एंड ऑड है, सिर्फ हमें ऑड वाला लिखना है। तो लिखोगे सिंस 1, 3 आर नॉट डिविजिबल बाय 2,
नॉट डिविजिबल बाय टू द ऑड फर्स्ट इंटीजर्स ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन है 4q+1 4q+3 ओके अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता क्वेश्चन क्या चेंज होता कि प्रूव दैट द इवन पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रूव दैट द इवन पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 4q 4q+2 तभी क्या करते बच्चों सेम वही करते पहले पॉजिटिव इंटीजर लिखते और इसमें इवन बना लिखते सिंस 0 to 2 आर डिविजिबल बाय 2 डिविजिबल बाय 2 सो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता 4q+2 और कौन 4q+0 होता ओके क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता अगर इवन में होता तो ऐसा ही प्रूव करो बच्चों ठीक है नेक्स्ट वाला बच्चों एग्जांपल टू बोल रहा है कि कोई भी इवन नंबर 2q रहेगा कोई भी ऑड नंबर 2q+1 रहेगा तो बी को क्या लोगे आप बच्चों टू बी को टू तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या आएगा आर का वैल्यू क्या आएगा जीरो जब बी टू है तो आर का वैल्यू 0 1 तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या आएगा जीरो टू क्यू प्लस जीरो एंड 2q+1 आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स ओके उसके बाद उसमें इवन कौन है जीरो टू क्यू प्लस जीरो ऑड कौन है बस वही है सर नहीं दोनों लिखना है यहाँ पर बोल रहे दोनों लिखना है इवन भी लिखना है ऑड भी लिखना है तो ऑड कौन है 2q+1 दोनों लिखना है सो दैट द एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर 2q और एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q+1 दोनों लिखना है ओके तो क्या करोगे लेट बी इक्वल टू 2 तो यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम ये इक्वल टू 2q+r ओके और ये बोल रहा है कि क्यू का वैल्यू जो 0 से ज़्यादा है आर का वैल्यू 0 एंड 1 आएगा और आर का कंडीशन ये है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा 2q+2q1 ओके सो ये इवन होगा ओके और ये 2q+1 ऑड होगा ठीक है दोनों लिखना है यहाँ पर ओके तो लिखोगे कैसे देखो आप लिख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन ये है सो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड ये एग्जाम्पल 2 है बुक का एग्जाम्पल 2 है सो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 2q+1 ये दोनों प्रूफ करना है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर 2q में रहेगा और ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q+1 जब ऐसा प्रूफ करना है तो बी को बच्चों क्या लेना है तो लेट बी इक्वल क्या लेना है आर का वैल्यू किससे कम होगा बी से कम होगा 2 से कम होगा तो आर का वैल्यू क्या होगा 0 और क्या 1 ठीक है पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आएगा 2q+0 2q+1 ये पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा सिंस 0 इज डिविजिबल बाय 2 सो इवन पॉजिटिव क्या आएगा 2q+0 ओके सिंस 0 इज डिविजिबल बाय 2 तो इवन पॉजिटिव क्या 2k आएगा एंड दोनों लिखना है 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 सो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 सो द ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा 2q+1 बच्चों समझ में आया यस yes.